हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IDBI बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। जिनका भी सपना है कि बैंकिंग के सेक्टर में जाने का, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकली है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने इसलिए बोला है क्योंकि फुल वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, एग्जाम की पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 500 सीट पर वैकेंसी रहेगी, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो देखिए कितने कैटेगरीज का, किस कैटेगरीज में कितना कितना सीट रहेगा। जनरल के लिए 203 सीट है, ओबीसी के लिए 135 सीट रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 75 और एसटी के लिए 37 सीट्स, ओवरऑल 500 सीट है। आगे देख लेते हैं फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा। तो फॉर्म जो ऑनलाइन होगा 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 26 फरवरी होगा। तो आपको 26 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, 12 फरवरी को जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएगा आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। अदरवाइज बाद में आपको सर्वर इशू फेस करना पड़ेगा, इसलिए समय रहते फॉर्म अप्लाई कर देना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया है कि परीक्षा किस तिथि को होगी। 17 मार्च 2024 को, मतलब कि इस महीने में फॉर्म अप्लाई करो और नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। तो बस एक महीने का समय है अपनी तैयारी। आई नो कि तैयारी बच्चे पहले से करते रहते, बस स्पीड को बूस्ट करिए, प्रीवियस ईयर के सेट जरूर लगाइएगा। अभी हाल फिलहाल में इसका पेपर हुआ था तो वो जरूर देखिएगा और मॉडल पेपर भी जरूर आप लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, स्पीड अच्छी हो जाएगी, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो उन सभी में आप सुधार कर पाओगे। अब देखते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने में फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 1000 यानी 1000 रुपया लगेगा, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 200 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रखी गई है। पहले जान लेते हैं किस तिथि के अनुसार आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। आपका 31 जनवरी 2024 के अनुसार 20 वर्ष से 25 वर्ष, मतलब एज ऑन 31st of January 2024 मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स एज की लिमिट है। देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को मिल जाएगा 5 इयर्स का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए जिन्होंने भी सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है या फिर कोई परसेंटेज का भी इशू नहीं है, जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आगे देखते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, सिलेक्शन बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज से गुजरने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगी, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक सिंपली इंटरव्यू होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, जॉब की जो लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपको रीजनल लैंग्वेज, मतलब जिस क्षेत्र या जोन के लिए आप अप्लाई करोगे उस रीजन का आपको रीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने बिहार के लिए किया है तो हिंदी होना चाहिए, यूपी के लिए तो हिंदी या उर्दू। तो ऐसे ही जिस रीजन का अप्लाई करेंगे वहाँ का आपको आना चाहिए। और एग्जाम का सेंटर आपको नियर बाय जो भी लोकेशन आप 3 सिटी चूज करेंगे वहां पर ही एग्जाम सेंटर होगा। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पेपर होता है, पहले बताया कि ऑनलाइन होता है, उसमें आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, टाइम विल बी 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का पेपर है, और निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है।
पहला सब्जेक्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इससे 60 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ से 40 क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, तीनों को कंबाइन करके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए होगा। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। जब इसमें क्वालिफाई होते हैं आपका सिंपली इंटरव्यू होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो ज्वाइन करने के बाद सैलरी क्या मिलेगी, चलिए मैं बता देती हूँ। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 36,000 रुपए से शुरुआत होगी। इसमें अच्छा खासा पर्क्स अलाउंसेस है, पता है आपको बैंक का ऑफिशियल जॉब है। आफ्टर इंक्रीमेंट 63,840 रुपीज आपकी सैलरी हो जाएगी। सो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। अगर आप इलिजिबल हो, इच्छुक हो, तो तैयारी की स्पीड को एकदम से कंटिन्यू करिए, बूस्ट करिए, ताकि इस बार आप सिलेक्शन ले पाए। और मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, आई होप कि आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी कोई डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां से डाउनलोड करके थॉरो आउट आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। और हाँ, आप चाहो तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों ही जगह पे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए फॉलो कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।